राधे कृष्ण फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे छेने से रसगुल्ला। तो देखिए, मैं 1 लीटर दूध से यहाँ छेना बना ली हूँ और इसमें थोड़ी सी आधा चम्मच चीनी है और एक बड़े चम्मच से मैदा। ऐसे मिक्स करेंगे हम और अच्छी तरह अपने हाथों के हथेलिए से इस तरह से इसे मसलेंगे। चीनी डालने से होगा क्या, आपका रसगुल्ला जो है स्पंजी बनेगा और सॉफ्ट रहेगा। और इसमें हल्की हल्की मैदा डाल के इसे मिक्स करेंगे। पहले मिक्स कर लेते हैं। और यदि आप छेना घर में बना रहे हैं तो उसे ज़्यादा ही ड्राई ना करें। इसे हमें इस तरह से 10 मिनट तक इसे करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और मैदा डालने से ये होगा कि हमारी रसगुल्ले जो हैं फटेंगे नहीं, गोल बनेंगे। देखिए, मैं पूरी तरह से इसे मसल ली हूँ और अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसे मैं छोटे छोटे गोल लोई तोड़ के गोल कर लूँगी। और मैं तब तक जब तक गोल करती हूँ तब तक मैं यहाँ चाशनी बना लेती हूँ। तो देखिए, 1 कप चीनी है, कम से कम 200 ग्राम मात्रा में। इसे एक बर्तन में डालेंगे और इसी से 2 कप 2.5 कप पानी डाल देंगे। 1 2 2.5 कप। और इसे गैस पर मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। और उबलती हुई चीनी की चाशनी में मैं इसे गोल गोल करके रखूँगी, उसे डालूँगी रसगुल्ले को। तो चलिए इसे चढ़ा देते हैं गैस में। देखिए, हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे 2 इलायची, कूट के डाल दी है ताकि इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अच्छी तरह से इसमें उबाल आ गया है। अब मैं देखिए इसके बॉल्स तैयार कर ली हूँ। अब देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट बनी है और देखिए दरारें इसमें नहीं आई है। इसी तरह से आप लोगों को भी बनाना है ताकि ये फटेगी नहीं रस में जाने के समय। इसे अच्छी तरह से हाथ से मेले तो ही अच्छा बनेगा। जितना आप इसमें मेहनत करेंगे उतना ही सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए डालते हैं। इसे डाल के 10 मिनट तक अच्छी तरह से इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि और भी ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए, 10 मिनट तक इसे धीमी धीमी आंच में मीडियम में इसे पका लिए हैं। और देख सकते हैं कितनी ये सब बड़े बड़े हो गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, देख सकते हैं। अब इसे ठंडा होने दें और गैस बंद करते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं सर्व करके। देखिए, आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और चीनी आधा चम्मच ज़रूर डालें जब इसे मिक्स करेंगे, तभी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। और आप लोग भी बनाएं और हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं कैसा लगा खाने में। ये देखिए, इसे काट के दिखाते हैं कितनी सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर करें और कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।